अगर आप ग्रो बुकिंग ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो और अपने ग्रो ऐप में ऑटो पे सेटअप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाला हूँ। तो ऑटो पे सेटअप करने के बाद आपको मंथली एसआईपी के लिए किसी प्रकार की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा बैलेंस कट कर लिए जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से ऑटो पे आप सेट कर सकते हो अपने ग्रो बुकिंग एप्लीकेशन में, तो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से ऑटो पे सेटअप करते हैं ग्रो बुकिंग एप्लीकेशन में। तो गाइस अगर आप भी अपने गुरु एप्लीकेशन में ऑटो पे सेटअप करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हो गुरु के, तो अपने मोबाइल में गुरु का वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे तो अपने जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक एंड ऑटो पे वाला उसमें क्लिक करनी है। ऑटो पे सेटअप करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि जैसे आप ऑटो पे सेटअप कर लेते हो तो आपका जो एसआईपी रहेगा वो मंथली ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। इसके अलावा बैंक से आपके ऑटो पेमेंट के लिए चार्जेस काटे जाएंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कितने चार्जेस काटे जाएंगे बैंक के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस है। तो आपको अपना बैंक के कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करके पता कर लेनी है कि कितने चार्जेस काटे जाएंगे ऑटो पे के लिए। तो अब अपना बैंक का ऑटो पेमेंट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में सेटअप ऑटो पे वाला उसमें क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन देखने मिल जाएगा और यहाँ बता दिया गया है कि आपका जो अप्रूवल है 4 से 5 दिन वर्किंग डे जो है ऑफिशियल डे होता है उसमें आपका अप्रूवल हो जाएगा ऑटो पेमेंट मोड के लिए। तो आपको यहाँ पर नीचे में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद ग्रो के वेबसाइट पे आपको यहाँ बता दिया गया है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो और यहाँ पे डेबिट फ्रीक्वेंसी का बता दिया गया है कि एज ऑन प्रेजेंटेड और उसके बाद यहाँ पर्पस अदर्स और यहाँ पे स्टार्ट डेट दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इन डेट जो है आपका यूनिट कैंसिल बता दिया है और यहाँ पे यूटिलिटी कोड बता दिया गया है आपका क्या है और यहाँ पे जो है आपका बैंक का नाम बता दिया गया है और यहाँ पे अकाउंट नंबर जो रहेगा अकाउंट नंबर बता देता है और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम और यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग। तो अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो नेट बैंकिंग पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो और डेबिट कार्ड के द्वारा ऑटो पेमेंट करना चाहते हो तो आपको डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आपके बैंक अकाउंट नंबर पर डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है तभी आप ऑटो पेमेंट मोड सेटअप करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको डेबिट कार्ड सेट कर लेनी है। अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो और नेट बैंकिंग के द्वारा ऑटो पेमेंट सेटअप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे टिक करनी है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो आप इंफॉर्मेशन वो आपका ट्रू है इसलिए यहाँ पर आपको टिक करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। तो ये प्रोसेसिंग होगा और यहाँ प्लीज वेट करने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट का यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपके नेट बैंकिंग है तो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करनी है, यहाँ पे टर्म कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करनी और कन्फर्म कर देनी है। उसके बाद आसानी से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। और अगर आप ऑटो पे के लिए डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे टिक कर देनी है। उसके बाद आपको सबमिट वाला उसमें क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई होगा और जो है यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने डिटेल्स यहाँ पे अकाउंट नंबर और उसके बाद यहाँ पे मैंने इशू टू ग्रुप पे सर्विस, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट और इन डेट यहाँ नहीं दिया है और यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स तो दे दिया 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पे ऑटो पेमेंट कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स 1 लाख और उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल्स मांग गया है। तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड होल्डर नेम यहाँ देनी है और उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नंबर देनी है और उसके बाद कार्ड पिन देनी है और एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द
टर्म कंडीशन है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ कन्फर्म करनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो आपको उससे वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद जो है ये गुरु कस्टमर के पास चला जाएगा और वहाँ से वेरीफाई होने के बाद जो है ऑटो पेमेंट सेटअप हो जाएगा। तो गाइस जैसे आपका ऑटो पेमेंट सेटअप हो जाता है तो आपका जो बैंक डिटेल्स जहाँ पर रहता है वहाँ पर नीचे में ही आपका ऑटो पेमेंट सेटअप जो है कम्प्लीट शो करने लगेगा। तो गाइस जैसे आपका ऑटो पे वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है तो यहाँ पर नीचे में आपका जो है ऑटो पे वेरीफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट शो करता है। तो यहाँ पे जो मेरा इनकम शो कर रहा है क्योंकि मैंने पूरा वेरीफिकेशन नहीं किया है तो मैं इसे डिलीट कर दिया, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। तो गाइस आप जान लेते हैं कि अगर आपका ऑटो पेमेंट सेटअप अगर नहीं हो रहा है डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सेटअप ऑटो पे वाला उसमें क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटअप फिजिकल मैंडेट्स। तो यहाँ पे सेटअप फिजिकल मैंडेट्स वाला उसमें क्लिक करनी है और उसके बाद इस प्रोसेस के द्वारा आपको जो अप्रूवल है 20 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ दे दिया गया है गेट अप्रूवल इन 15 से 20 दिन। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे कंटिन्यू वाला उसमें क्लिक कर देनी नीचे में और उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है तो जो फॉर्म है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो उस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेनी है और उसके बाद आपको उस पर सिग्नेचर करके उसका एक फोटो लेनी है अपने मोबाइल से और यहाँ पे क्लिक टू अपलोड इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करनी है और जैसे आपका फॉर्म अपलोड हो जाता है तो आपको 15 से 20 दिन वेट करनी है। उसके बाद गुरु के कस्टमर केयर के द्वारा आपको मेल पर रिस्पॉन्स दिया जाता है कि आपका जो ऑटो पे चालू हुआ या नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से ऑटो पे सेटअप दो तरीके से कर सकते हो गुरु एप्लीकेशन में। तो गाइस अगर अभी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है कि किस प्रकार से ऑटो पे सेटअप करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिव टेक केयर, जय हिंद।